नाना साहब बोल रहे, जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा एग्जीबिशन चल रहा है काशीधाम। तो काशीधाम ये ऐसी जगह है कि ये सबके लिए फेवरेट है। तो मैं एज ए चित्रकार होने के नाते तो मुझे काफ़ी दिनों से ये इंस्पायर करता है और मैं काफ़ी दिनों से इसमें काम कर रहा हूँ। और मुझे जब इस ये थीम को लेकर काम करना था तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे विज़िट किया, कुछ दिन मैंने वहाँ पे स्टे किया, काफ़ी अलग अलग घाटों पे जाके लाइव काम किया। और वो काम को मैंने महसूस किया, वहाँ पे पब्लिक है, वहाँ पे कई दूर दूर से पब्लिक आती है, भाभी आते हैं। तो जो माहौल है घाट पे, जो अलग अलग विधि चलते हैं, वो सब मैंने महसूस करके अपने पेंटिंग में लाने की कोशिश की है। और ये जगह बहुत ही पवित्र जगह है, जो ज्योतिर्लिंग है तो उसमें से सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग है कि काशी विश्वनाथ। तो मैंने अपने तरीके से, अपने हिसाब से मैंने जो काशी महसूस किया है वो मैंने अपने पेंटिंग में लाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। पेंटिंग में देख सकते हैं कि मैंने नंदी जी को लेके पेंट किया हुआ है। और सभी पेंट कंपोजिशन में आप पेंटिंग में दिखाई देंगे कि मैंने अपने हिसाब से कंपोजिशन किया है। नंदी जी को मैंने हर पेंटिंग में ऐड किया है। बट इसके पीछे रीज़न ऐसा है कि काशी तो भगवान शंकर जी का नगरी है, तो हर जगह पे हर पेंटिंग में तो मैं उनको पेंट नहीं कर सकता। बट उनका जो प्रतीक है नंदी जी, तो नंदी जी को मैंने लेके सब में अपने हिसाब से ऐड किया है और पेंट किया है। और वहाँ पे जो कलर स्कीम है नंदी जी की, तो वो आपको रेडिश और एकदम ऑरेंज में मैंने किया है। तो वो शंकर भगवान जी का प्रतीक है, वो उनकी प्रतीकता को दर्शाता है। ये जो पेंटिंग्स मैंने की है तो ये सब एक्रेलिक ऑन कैनवास है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर से मैं काम करने की कोशिश की है। मैं कई सालों से वाटर कलर में काम करता हूँ और वाटर कलर का जो कैरेक्टर है, जो स्वभाव है, वो ट्रांसपेरेंसी का है। तो वही सब चीज़ें मैंने कैनवास पर अप्लाई की है और काफ़ी मुझे अच्छा एक अलग एक्सपेरिमेंट करने को मिला है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और काशी का जो ब्यूटी है वो सब आपको यहाँ पे मैंने पेंट किया है, आप महसूस कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप कि मेरे पेंटिंग में एक पर्टिकुलर टाइमिंग है कि उस टाइमिंग को मैंने लेके पेंट किया है। काशी का जो संध्या का टाइमिंग होता है, इवनिंग का टाइमिंग होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, ब्यूटी होता है। और जब एक बार एक साइड में ये थे कि सूरज डूबने लगता है और उसी दौरान दूसरी ओर से दिए वगैरह जलने लगते हैं, तो वो जो टाइमिंग है वो मैंने यहाँ पे कैच करने का प्रयास किया है। और कलर स्कीम जो है तो वो काफ़ी मैंने थोड़ा अट्रैक्टिव किया है। कलर स्कीम के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं ना, तो अगर लिमिटेड पैलेट में हम काम करते हैं तो वो काम बोलते थोड़ा सा मैच्योर होता है। इसीलिए मैंने मेरे आप पेंटिंग में देख सकते हैं कि ब्लैक है, ब्राउन है, ऑरेंज है और थोड़ा सा क्रिम्सन रेड भी है। तो ये चीज़ों को, एक कलर को लेकर मैंने पेंट किया है। और जो आध्यात्मिक क्षेत्र है हमारा काशी धाम, तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा सा वार्म कलर को ज़्यादा लेके काम किया है। और इवनिंग का टाइमिंग मैंने सबसे ज़्यादा पेंट करने की कोशिश की है। और इवनिंग का टाइमिंग तो काफ़ी बहुत बढ़िया होता है काशी में। संध्या के टाइम वो गंगा आरती होती है तो काफ़ी देखने लायक होती है और महसूस करने लायक होती है। तो इतना अच्छा पवित्र स्थान है हमारा, ये हमारे देश की धरोहर है। और ये जो धरोहर है, ये जो ब्यूटी है, तो मैं अपने चित्र के माध्यम से आप सबके सामने लाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। बिल्कुल आप विज़िट कीजिए। थैंक यू सो मच।